सदगुरु महाराज कबीर साहेब जी महाराज इस भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज जी चारों जातियों के बारे में विचार करके कह रहे हैं कि ब्राह्मण वही है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। अगर कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ है, अगर उसे ब्रह्म का के बारे में ज्ञान है तो वह ब्राह्मण है। जो जनेऊ पहनने वाले विचार करो, साधु संत के पास 100 गुण होता है और जनेऊ पहनने वाले के पास सिर्फ 9 गुण होता है। अगर कोई ब्रह्मचारी जनेऊ पहनता है तो उसके पास सिर्फ 9 गुण होता है और साधु के पास 100 गुण होता है। क्षत्रिय वही है जो पाप को खत्म करता है और ज्ञान के तलवार को अपने पास रखता है और मन में दया धर्म रखता है, वही क्षत्रिय है। चाहे किसी भी वो वर्ण या जाति के हो, उसके अंदर ये सब गुण है तो वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय होकर भी ये सब गुण नहीं है तो वह क्षत्रिय नहीं है। वैश्य वही है जो काम वासना का त्याग करे और पराई स्त्री को माता की तरह समझता है और मोह को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए अपना प्राण तक दान दे देता है। चाहे किसी भी धर्म से हो, ये सब गुण हैं उसके अंदर तो वह वैश्य है, और नहीं है तो वैसे जाति में पैदा होकर भी वैश्य नहीं है। शूद्र वही है जिसके अंदर सद्गुरु महाराज की भक्ति का शुद्ध है और वह किसी की भी बुराई नहीं करता है। वह सद्गुरु की दया से और उनकी संगति से उसका भटकाव खत्म हो जाता है और वह स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से जातियों को उसके कर्मों के अनुसार बांटा गया है और भजन है, सद्गुरु चारो वर्ण बिचारी, ब्राह्मण वही ब्रह्म को ज्ञान, पहिरे जने शूद्र सो
गुरु की दया साधु की संगति।